हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। जी हाँ, ये थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर इज द फाइनल लेक्चर टुडे, बिकॉज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर को, इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर, सेकेंड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर के देख लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थर्ड ये आने वाला है। तो ये जो आप देख रही हैं पार्ट थर्ड है वैसे, और फर्स्ट और सेकेंड आपने नहीं देखा है तो जल्दी से फटाफट जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर के आप देख लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे आई बटन दे रखा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के आई बटन पे क्लिक कीजिए इस और पूरा वीडियो देख लीजिए। ओके, तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो चलिए, हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस को देखे, लीनियर इक्वेशंस, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में हम लोग बात किए थे। उसका फॉर्मेट क्या था, लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेट था ए वन प्लस बी वन y प्लस सी वन इज इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकेंड था, दो लीनियर इक्वेशंस थे। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसका सॉल्व करने का क्या तरीका था, x का वैल्यू फाइंड करना, y का वैल्यू फाइंड करने का बहुत सारा तरीका था, है ना। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोग बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, हम लोग बात किए और पढ़ाई किए थे, हम लोग ग्राफिकली मेथड से हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी हमने पढ़ चुका, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खासम खास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हमारा क्या है, प्रोसेस में है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पांचवा पॉइंट आज बात करेंगे, पांचवा पॉइंट है किसका, इसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्पेशल स्पेशल केसेस, है ना, स्पेशल केसेस में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा हो कि दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस हो, उसका उसका जो कॉफिशेंट है एक्स और वाई का एक इक्वेशन का, वो क्या करता है, इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई इक्वेशन है हमारे पास, ये तो मेरा सिमल्टेनियस इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऐसा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। और इसका जो कॉफिशेंट x का है और ये y का है, इसका कॉफिशेंट इंटरचेंज हो जाता है अगले इक्वेशन में, मतलब कि बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी या सी वन या d कुछ भी है, यहाँ पे हम यहाँ पे c ले लेते हैं, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2 कर लेते हैं, ठीक है, जीरो। ये क्या हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड हो गया, दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, अब जो ये कॉफिशेंट है x का, ये y का, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में वो इंटरचेंज हो गया, a जो है y में चला गया और जो b था वो कहाँ चला आया, x में चला आया, क्लियर है, y वाला x में चला आया, इंटरचेंज हो जाए, तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ओके, है ना। चलिए, ओके, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, स्पेशल केसेस पे बात करने वाले हैं। क्या केस है हमारा, आज का केस है व्हेन द कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड वाई, है ना, इन वन इक्वेशन, एक इक्वेशन का, ठीक है, द कोएफिशिएंट आर इंटरचेंज इन अदर, दूसरे वाले में चेंज हो जाता है, तो क्या कहेंगे, है ना, क्या करेंगे। तो द व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगा, है ना। मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज, इसी को तो कॉफिशेंट कहते हैं, ये कॉफिशेंट ऑफ y है और कॉफिशेंट ऑफ x कितना है, 2 दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 3 जो है x में और 2 जो है y में चला जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस 2y और इधर समथिंग कुछ भी हो, यहाँ 6 है तो 8 मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम, 0, ये सेम हो नहीं हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। केस यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कॉफिशेंट है वो क्या होना चाहिए, एक्सचेंज हो जाना चाहिए, क्लियर समझ में आ रहा है, एक्सचेंज हो गया, अब क्या सॉल्व करेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे,
एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब कि वाई को हटाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में थ्री है, यहाँ यहाँ टू है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस वाले में आप थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, तीन दोनों छः, आप इसको डिवाइड करेंगे है ना, माइनस करवा देंगे, सबट्रैक्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये भी छः हो जाएगा, ये भी छः हो जाएगा। गौर से देखें, ये चार हो रहा है और ये कितना हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज। तो ये क्या होगा, इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। सोचिए जरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सेकंड को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो भी। तो इसका एक तरीका है, मेथड है, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला क्या है प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में करना यह है कि ऐड, एडिंग बोथ इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा फिर उसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो एडिंग होगा तो क्या बनेगा मेरा, ये तीसरा इक्वेशन बनेगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये चौथा इक्वेशन बनेगा, मतलब एक फॉर्म बनेगा, एक फॉर्म बनेगा एडिंग करने पे, इसका फॉर्म बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, कुछ ए बी सी डी जो भी बने, सी बनता हो, ठीक है, और इसका बनेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी समथिंग कुछ बनेगा। तो अब ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को प्लस करके या एक दूसरे को माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो वाई को या तो एक्स को, तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हटा लेते हैं। सॉल्यूशन हमने मेथड समझ लिया, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 2x है ना, एडिंग, पहले क्या करेंगे, एडिंग द इक्वेशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या होता है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, 3x प्लस है ना, इसको उधर सेंड कर दें, इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, ये कितना है, 3x 2y इज इक्वल टू माइनस 8, ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 3 × 5x, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8 × 6 = 40, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ पे 5 5 कॉमन है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और कर लें, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में 7 कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो, 7 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7, यहाँ पे 15 आ जाएगा, थोड़ा सा इजी करने के लिए, समझ रहे हैं, 5 5 कॉमन, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है, अब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5 नीचे जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 किया था, ताकि ये काट सके, अगर 14 रहता तो कटता नहीं, फ्रैक्शन में होता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता, 5 1 5 3, ठीक है, तो माइनस 3 एक फॉर्म तो बन गया, देयर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए है ना, ये पहला इक्वेशन बन गया, दिख रहा है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, लिखा हुआ भी है, चलिए इसको सॉल्यूशन में मान लेते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन है ना, इक्वेशन वगैरह फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर है, तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, क्लियर है, माइनस होगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस होगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, अब इन दोनों को क्या करना था, उस तरफ सेंड कर देना था,
प्लस सेवन था, कितना था, प्लस सेवन था, है ना। चलिए कितना हो जाएगा, माइनस सेवन, कितना हो जाएगा, माइनस एट। अब ये माइनस क्या होने वाला है, ये प्लस हो जाने वाला है, क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड, माइनस करेंगे, तीन में से दो जाएगा माइनस एक्स, ये दो में से तीन जाएगा कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई, क्लियर है। यहाँ कितना बचेगा, आठ में से सात गया तो एक बचेगा, क्लियर समझ में आ रहा है। इसका क्या फॉर्मेट बन गया, इसका क्या फॉर्मेट बन गया, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और माइनस मल्टीप्लाई कर दें इधर भी तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस वाई, और इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये मेरा बन गया दूसरा फॉर्मेट, देखिए क्लियर है। एक फॉर्मेट एक्स प्लस वाई के साथ और एक फॉर्मेट बन गया एक्स माइनस वाई के साथ, क्लियर समझ में आ रहा है। दो फॉर्मेट समझ में आ गया, दो फॉर्मेट समझ में आ गया, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस y is equals to something। अब क्या करेंगे, अब तो easy हो गया, elimination easy हो गया। अब क्या करेंगे, ये पहला नहीं है, ये मेरा तीसरा होगा, एक दो तो वो था मेरा, है ना, एक दो तो ये था, ये दोनों एक बार add किए, एक बार subtract करवा दिए, एक बार subtract, है ना, यहां से subtract करवा दिए, subtract the equation first and second, तो क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया, दो चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे, थर्ड को और फोर्थ को, ये फोर्थ इक्वेशन बना मेरा, फोर्थ इक्वेशन, क्लियर है। फर्स्ट और फोर्थ को क्या करेंगे, अब ऐड कर दे, ऐड करने से क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ऐड कर दे, ये गायब, 2x is equals to कितना हो जाएगा, माइनस फोर, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस फोर बाई टू, मतलब कट करके आया माइनस टू, एक्स का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दें तो वैल्यू आ जाए, या तो इसमें पुट कर दें तो y का वैल्यू आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि आपने पहले जैसे इस वाले में किया था, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, तो इस वाले में भी आप सेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी आपने क्या किया, यहाँ ऐड किया, क्या किया, ऐड किया। अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, अब दूसरा माइनस करने वाले हैं, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, कितना बनेगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, अब ये कितना बन गया, ये कट गया, ये प्लस प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू, तीन में से एक गया, कितना बच गया, माइनस टू, कितना आया, वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स का वैल्यू कितना आया था, माइनस टू आया था, हो गया सॉल्व, हो गया, नहीं दिख रहा है, सॉरी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू आया था, क्लियर है, अब क्लियर है, ओके चलिए, है ना, ओके। तो ये क्या है, एक स्पेशल केस था हमारा, स्पेशल केस, स्पेशल केस किस बात में, कि अगर कॉफिशेंट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज कर जाता है, मतलब थ्री यहाँ टू यहाँ चला जाता है ना, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना, कॉन्सेप्ट के लिए ही आए हैं, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं, समझ में आ रहा है, चलिए ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्लियर हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा ये चौथा मेथड है जो सॉल्व करेगा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, क्लियर समझ में आ रहा है। थ्योरम हम लोग पहले समझेंगे, थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या दिया हुआ है, थ्योरम है कि द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, सिमल्टेनियस है, वेयर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, पिछले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये शो करता है द यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन,
है ना, यूनिक सॉल्यूशन चलिए समझ में आ रहा है ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर शो कर रहा है, अगर ऐसा हो इसका क्या होना है, ये कंडीशन दे रखा है कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू अगर इन दोनों कॉफिशियंट का x का कॉफिशियंट एंड y का कॉफिशियंट का रेशियो, क्या समझ में आ रहा है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होना चाहिए तो हम कह सकते हैं हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। मतलब कैसा ग्राफ बन रहा था, ग्राफ में कैसा था, है ना, ऐसे लाइन जा रहा था और ऐसे लाइन था, एक जगह कट रहा था, क्लियर समझ में आ रहा है। एक जगह कटने को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा मेरा ये वाला बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। y का क्या आएगा, ए वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ए वन है ना अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब थोड़ा सा आपको लग रहा है ये क्या है सर, है ना, ये रट्टा नहीं मारना है, ये रट्टा कैसे मारेंगे, रट्टा उट्टा कुछ नहीं मारना है, मैं हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये थ्योरम है, हम लोग प्रूफ करेंगे कि x इज इक्वल टू इतना आने वाला है एंड y इज इक्वल टू इतना आने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, है ना, ओके चलिए, ओके अब देख रहे हैं यहाँ पे दो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन है, पहला दूसरा। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे हमने कुछ लिया था, थ्योरम था, वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ है ना, तो क्या करेंगे, मल्टी वी गेट क्या करने वाले हैं इस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इक्वेशन में हम लोग b1 है b2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो b1 b2 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है, और दूसरे वाले में एंड b1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड में, इसमें b2 है और b1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 को, इस वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 को, तो क्या बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन बनेगा a1 b2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2x, फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखेंगे b1 b2 y प्लस c1 b2 इज इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। अब क्या बनेगा दूसरा वाला इक्वेशन, क्या हो जाएगा, और दोनों को माइनस करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, a2 n b1 x b1 b2 y प्लस c2 b1 इज इक्वल्स टू जीरो, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्लियर है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो समझो क्या हुआ, यहाँ पे b1 b2 y समथिंग y एंड समथिंग y, दूसरा अलग चीज़ नहीं, यहाँ पे b1 b2 है, यहाँ पे भी b1 b2 है, y पहले से था, y का कॉफिशेंट कौन हो गया b1 b2, y का कॉफिशेंट कौन हो गया b1 b2, ऐसा इसलिए किए b1 b2 को इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें b1 को मल्टीप्लाई किए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने से y एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, हट जाएगा, क्लियर है। अब अगर सिमिलरली इसी तरीके से हम अगर y का वैल्यू निकालना है, अब यहाँ पे y कैंसिल होने वाला है तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्लियर समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मुझे y का वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 x हो जाएगा, इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a1 मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2 x हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज दोनों प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करना हमेशा है, क्लियर है। तो अब बन जाएगा हमारा थ्योरम, ये वाला गया, क्या ये नहीं कटा, ये कट गया, ठीक है,
a1 b1 b2 b1 b2 y, क्लियर है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a1 b2 x माइनस a2 b1 x। इधर क्या हो गया, ये प्लस करके क्या लिखेंगे आप, है ना, c1 b2, माइनस करके क्या लिखेंगे, c2 b1 इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, जो x पार्ट है x को कॉमन ले लें, बाकी जो कॉन्स्टेंट पार्ट था उसको उधर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा a2 b1, क्लियर है। और इसको सारे को उधर सेंड कर दें, क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा c2, ये माइनस में है तो, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा इधर b1, ठीक है, ये जाएगा उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव c1 b2, क्लियर है। अब अगर आप लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, अब देखो गौर से, ये पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट अब नीचे जाएगा, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, ये पूरा बात मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अगर लिखना चाह रहे हैं तो इतना अपॉन ये वाला पूरा बात नीचे जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा आ गया c2 b1 माइनस c1 b2, ये वाला। अब ये जाएगा इसके नीचे, क्लियर है। तो a1 b2 दिख रहा है, चलिए थोड़ा तो दिख रहा है, माइनस a2 b1 दिख रहा है, ओके क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली करके क्या करेंगे, सिमिलरली करके हम लोग ये खुद से करें, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए आप, मज़ा आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड सारा मेथड हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है और पूरा मज़ा आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, तो आप इसको खुद सॉल्व करें। ऐसा कोई इक्वेशन हो, क्या करना है, इस वाले में अगर वाई को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे b1 यहाँ पे b2 घुसा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ b2 पहले से है तो इस वाले में b1 मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ आप देख सकते हैं, क्लियर है। और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई इलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली एक्स को कैंसिल करना है, वाई को रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले में a1 है और इस a2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो a1 a2 x इसी तरीके से सब बनेगा। इधर यहाँ पे a2 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a1 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y का समथिंग वैल्यू आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, y का क्या वैल्यू आ जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे अभी लिखे थे। तो अब यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सिमिलरली मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू b1 c2 b2 c1 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, y में c1 a2 इस तरीके से मेरा आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इस तरीके से आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट कस्टमरली, वी कैन राइट कस्टमरली क्या लिख सकते हैं, x इज अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन, क्लियर है। क्या लिखेंगे, a1 b2, ठीक है, इज इक्वल्स टू -a2 b1, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज x अपॉन इतना लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला बात था, y इज इक्वल्स टू जो ऊपर वाला बात था, और जो नीचे बेस है आप देख रहे हैं दोनों सेम है, a1 b2 -a2 a2 b1 b1, क्लियर है। तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 अपॉन। अब सर ये इस तरीके से लिखने का क्या है, ये इसका क्या है, कस्टमरली इसको कस्टम किया गया है, इसको अरेंज किया गया है। तो x इज इक्वल टू अगर यहाँ देखें, इधर पीछे ना देखें, ठीक है, y इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे, y अगर आप लिखना चाह रहे हैं y इज इक्वल टू, तो ये देखें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। y इज इक्वल टू अगर लिखना चाह रहे हैं, ये वाला पूरा का पूरा बात, ठीक है, कहाँ जाएगा,
ऊपर यहाँ, तो ये फिर से वहाँ चले गया, तो इतना इतना अपॉन इतना हो गया, वाई इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, क्लियर है? ये पूरा बात इसके बराबर, ये पूरा बात इसके बराबर, और ये पूरा बात किसके बराबर होगा? इसके बराबर भी होगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये हम वहाँ भेज दें यहाँ, तो क्या हो जाएगा? सेम एज सेम, क्लियर है? तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है? क्लियर है अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट? क्लियर है? तो x अपॉन इतना, y अपॉन इतना, और वन अपॉन इतना। अच्छा, ये बनेगा कैसे, ये एक्चुअली में अब कैसे आएगा? अब हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अब आने वाला है। इतना था हमारा सारा का सारा थ्योरम था, क्या था? थ्योरम, इतना बड़ा थ्योरम था। अब इसको हम लोग कैसे, है ना, आगे बढ़ेंगे और इस फार्मूला को कैसे बनाएंगे? तो चलिए फार्मूला बनाना सीखते हैं। चलिए अब मजा आने वाला है। x के दो b1 c1, y के c1 and a1, और 1 का कितना हो जाएगा इसका। अब जो है फार्मूला बनाने का मेथड है, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? फार्मूला बनाना बड़ा इजी है, इसको एकदम बड़ा गौर से देखिए और सब कुछ समझ में आएगा, 5 मिनट में सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू समथिंग लिखने वाले हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और करेंगे क्या, माइनस। तो हमारा फार्मूला बनना स्टार्ट हो गया, x अपॉन b1 c2, पहले वाले को पकड़ करके ऊपर वाले के साथ इसके वो लिखेंगे, ठीक है, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, b2 c1 इज इक्वल्स टू y का अगर फॉर्म बनाएंगे तो ये जाएगा ये वाला को पकड़ करके पहले, तो y अपॉन क्या बनेगा, y अपॉन बन जाएगा हमारा c1 a2 माइनस, फिर क्या बनेगा, ये c2 a1, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आगे क्या बनेगा, 1 का नीचे क्या बनेगा, है ना, डेनोमिनेटर क्या होगा, तो a1 पहले जो ऊपर में है वो जाके मल्टीप्लाई करेगा, उसी को पहले लिखेंगे a1 और b2 माइनस, फिर क्या होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जा करके, तो a2 क्या हो जाएगा, b1 हो गया। क्लियर है? बड़ा इजी है, समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया, क्या कर दिया, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है? तो x अपॉन इतना, y अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना। अब सर इतना सारा लोचा लपाटा कैसे करेंगे, तो मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, बड़ा सिंपल सा है, चलिए देख लेते हैं हम लोग उसको कैसे करने वाले हैं। ये तो पूरा बोर्ड ही ले लिया है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल्स को जल्दी से शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, मोटिवेट करते रहिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहे हैं हम इसको, क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये फार्मूला कैसे बनेगा, a1x + b2y प्लस क्या था हमारा यहाँ पे, है ना, प्लस c1, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, c1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या बना था, क्या बना था, पहले क्या लिखने का तरीका था, पहले लिखने का तरीका है कि हम लोग b1 है ना, x के अपन b1, फिर b के बाद कौन आता, b के बाद c ऐसे, फिर c के बाद a, फिर a के बाद फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या समझ में आ रहा है? तो b1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1, ठीक है, इसका कंपोनेंट किसके साथ, y के साथ, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे, a b a, फिर हो जाएगा a1, ठीक है, फिर इसके साथ 1 के साथ कौन बनेगा, कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ, कांस्टेंट, है ना, तो a1 हो गया, a b c a, फिर b1 से स्टार्ट होगा, b1 पे ख़त्म होगा, फिर यहाँ क्या होगा, निचला में क्या होगा, निचला वाला में b2 होगा, b2 c2 a2, फिर उसके बाद b2, तो फिर क्या हो जाएगा, b2 c2 फिर a2 फिर b2, क्लियर है?
इसको पकड़ के आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ ऐसे, फिर इसके साथ ऐसे, फिर इसके साथ, पहले ऊपर वाले के साथ, ठीक है, फिर इसके साथ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे, क्लियर है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। अब इसका बड़ा आसान है, इसको हम लोग एक प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक क्या दे रखा है, 2x 3y = 70 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y = 6। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। इससे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखिए पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्या नहीं फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ए बी और सी, सी कहाँ है, सी उस तरफ है, तो सी को इधर लाएंगे, इज इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे, क्लियर है। सबसे पहले तो कितना है, 2x 3y और 17 उस तरफ है, तो क्या करेंगे, 17 को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे, क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे, 70 उस तरफ चल जाएगा, -17 = 0। ये वाला कितना हो जाएगा, 3x दिख रहा है, 3x - 2y है ना, 6 उस तरफ चला जाएगा, -6 - 0। अब ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है हमारा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्लियर समझ में आ रहा है। अब क्या तरीका है, तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, है ना, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले b1 को लिखेंगे। तो कितना है b1, 3, ठीक है, फिर कितना है c1, लिख लो b1 c1, ठीक है, bca1, हाँ ठीक है, b1। फिर क्या हो जाएगा, b2 c2 a2 b2, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखिए, इस तरीके से पैटर्न फॉलो कीजिए, जल्दी से आइए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेंगे, क्लियर है। लिखिए b1 के जगह पे 3, फिर a के जगह पे 2, ठीक है, c1 के जगह पे -70, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, a1 के जगह पे 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, b1 के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से नीचे वाले में आ जाइए, कितना हो जाएगा, b2 के जगह पे -2, फिर कितना हो जाएगा ये वाला, है ना, कितना हो जाएगा -6, फिर 3, फिर -2, ठीक है, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x के साथ इसका, ये y के साथ इसका, और ये 1 के साथ इसका, सॉल्व कीजिए। x अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 3 - 6, है ना, तो 6×12 = 18, माइनस यहाँ पे माइनस होता था ना, ठीक है, तो 17×2=34, -+34 = y अपॉन क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके, तो 17 × 3 कितना हो जाएगा, है ना, 34 और 17 कितना होता है, 7×4 = 11, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4×5 = 50, 51, 17×3 = 51, है ना, तो -+51 = 51, 6×2=12, -+-, और यहाँ माइनस देंगे तो हो जाएगा +12 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 1/, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ, 2×2=4, -4, क्लियर समझ में आ रहा है, -4, माइनस नहीं है, ये प्लस है, 3×3=9, यहाँ -9, चलिए कितना हो जाएगा, x/-+, तो 8×4=12, 3×1=4 और 1×5=52, y/ कितना हो जाएगा, है ना, 2×1=3 और 5×1=6, नहीं माइनस होगा, 51 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, है ना, 11 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 3, 39 और -39, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -+13 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, दोनों के साथ, तो एक बार इसके साथ रिलेशन बनाइए और एक बार इसके साथ रिलेशन बनाइए, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या बनेगा, चलिए
यहाँ पे आ जाइए, x अपॉन कितना हो गया, x अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 13, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख ले x इज इक्वल्स टू 13x, 13x और 52 ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 नीचे जाएगा, ये 13 है ठीक है, तो कितना जाएगा 52 अपॉन 13, क्लियर है। 13 को कितना बार पढ़ेंगे कि 52 कट जाएगा, 13 चक 52 है 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इतना इज इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे ठीक है, और फिर 13 को डिवाइड करेंगे, 13 3 39 3 आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया है ना, माइनस 39 अपॉन माइनस 13, माइनस माइनस कट गया, 13 कम 13 13 39 आ गया 3 आंसर। y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 3 सॉरी 3 y का, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, क्लियर है, क्लियर है। चलिए 4 नहीं आएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 4 आएगा ठीक है, माइनस 4 बिकॉज ये माइनस 13 था, माइनस 13, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा आज का लीनियर इक्वेशन, फुल्ली चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ, फुल्ली चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका है हमारा, तो बड़ा मज़ा आया होगा है ना, हम लोग बहुत मज़े से पढ़े हैं इस लीनियर इक्वेशन को, और अगले चैप्टर करने वाले हैं, अगला चौथा चैप्टर करने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर, उसके लिए तैयार हो जाइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि फीडबैक्स मिल सके हमें, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ है ना, इसी तरीके से आगे शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताएं, इसी तरीके से अपने स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स जितने भी हैं, इस वीडियो को आगे बहुत दूर तक फैला दें ताकि हम जो है आपसे मोटिवेट हो सकें और आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ जो है वीडियो बनाएं और मैथ को एक इजी वे में लेकर के जाएं, बिकॉज मैथ जो है ना बहुत हार्डेस्ट बना दिया गया है, मैथ बहुत हार्ड समझते हैं बच्चे, तो बच्चे जो हैं बहुत हार्ड समझ रहे हैं, और मैं इस मैथ को क्या करने वाला हूँ, बहुत इजी करने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। तो इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MI अप टू डेट जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करेंगे, आगे शेयर करेंगे, इसी तरीके से बने रहेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे के साथ, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।